क्लास 10वीं की स्टूडेंट फैली आपके यहाँ पर वैसे हिंदी का ठीक है मासिक मूल्यांकन पेपर का संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें बिल्कुल आपका रियल पेपर है ठीक है, बिल्कुल आपको स्कूल में यही पेपर मिलने वाला है। और साथ ही आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ठीक है। आप यहाँ पर डेली समय आपका 1 घंटा रहेगा और निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं और साथ ही सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो हमने यहाँ पर अपने चैनल पर सभी विषय के बिल्कुल रियल पेपर डाल दिए सॉल्यूशन सहित, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का सॉल्यूशन करने वाले हैं ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो पहला था बिहारी किस कव धारा के कवि हैं, तो आपका आता रीतिबद्ध और बाता रीति सिद्ध और साता रीति मुक्त और दाता रीति काल। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा रीति सिद्ध। फिर आपका दूसरा आता सूर्य के पद की भाषा है, तो आपका यहाँ पर आता अवधि, बात आपका ब्रज, साता राजस्थानी और दाता बुंदेलखंडी। तो जो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ब्रज हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन आता कौतुक भरी और बाता शरारत भरी और साता दर्द भरी और दाता गंभीर। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आ कौतुक भरी ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते चौथा प्रश्न, भोलेनाथ के पिता उन्हें गोरा से भात छान कर खिलाते थे ठीक है, तो इसका आपका चांदी की कटोरी में, फूल की कटोरी में, कांसे की कटोरी में और चीनी मिट्टी की कटोरी में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका फूल की कटोरी में ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं ठीक है। तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, त्रैमासिक परीक्षा में पूरी हेल्प कराई जाएगी आपकी ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान ठीक है, आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो पहला आता है अस्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को डड्डू कहते हैं, तो यहाँ पर अस्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं विभाव ठीक है। विभाव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता रमणी ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका काव्यम हो जाएगा, काव्यम आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो यहाँ पर एक अंक वाली रचना कहलाती है आपकी एकांकी। फिर जो आपका चौथा आता है प्रतिदिन में समास ठीक है, प्रतिदिन में डॉट डॉट समास है, तो प्रतिदिन में है आपका यहाँ पर अव्ययीभाव समास ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर सत्य देख लेते हैं, तो पहला था भोलेनाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत कचलक लगाते थे, तो आपका पहला सत्य हो जाएगा। या दूसरा आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो ये सत्य रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता जगन्नाथ में बेसर संधि है, असत्य हो जाएगा। तो फाइनली आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य और तीसरा रहेगा सत्य, चौथा असत्य ठीक है। अब आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो इनको मैच कर लेते हैं। पहले आती है आपकी स्तंभ अवभाव में दी सही जोड़ी ठीक है। तो पहले आती है सूर्य के पद, सूर्य के पद को आपको भ्रमर गीत से मैच करना है। फिर जो जो आपकी दूसरी आती है देहाती दुनिया, तो इसको मैच करना होगा पहला आंचलिक उपन्यास। फिर जो आपकी तीसरी आती नगर पालिका का कार, इसको आपको मैच कर देना है, यहाँ पर सड़कें पक्की करवा देना। जो चौथी आती है प्रयोगवाद की जनक, तो इसको मैच करना है आपको आगे से ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपकी सही जोड़ी मैच करवा दी है ठीक है। फिर आपके आते हैं प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो पहला था मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर आपका रहेगा उद्भव ठीक है, उद्भव के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उद्भव आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है पहले वाले का ठीक है। फिर आपका दूसरा था किसी एक खंड का आपका नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका पंचवटी ठीक है, पंचवटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर आपका जो तीसरा आता है संधि के भेदों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संधि के भेद हो जाएगा स्वर व्यंजन ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग आपके तीन होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग ठीक है, याद कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा था भोलेनाथ के बापूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी, तो इसका आंसर रहेगा रंगमंच ठीक है, रंगमंच आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक बात मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब छः आपका प्रश्न 6 आता है उद्भव की विभाव की तुलना किस किस से की गई है, ठीक है जो इनके उत्तर है वो हम आपको लिखित आंसर दिखाने वाले हैं। जो 7वां आता सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कैम कहते थे,
आठवां आता बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इनके हम आपको लिखित आंसर दिखाने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। जो आपका नौवां आता सारा शुल्क से मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, इसका आठवां आता आठवां देख लीजिए। ठीक है, आप चलिए जो इनके आंसर वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 6 दिया गया था, उद्भव की वैवाही तुलना किस किस से की गई है, तो आप यहाँ पर गोपियों ने उद्भव की वैवाही तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका जो प्रश्न 7 दिया गया था, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, आपका प्रश्न दिया गया, फिर इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था, उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब चलिए आपका आठवें प्रश्न जो आपका दिया गया था, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके लिए खेल करके, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। ये आपका प्रश्न 8वें को तक कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो प्रश्न 9 दिया गया था, जिसमें आपको सारा शुल्क के मुक्ति हेतु, ठीक है, मुक्ति के लिए आपको प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना था, तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना, जो यहाँ पर विदिशा लिखा है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। तो आपका प्रश्न 9वें का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपने पूरा आपका हिंदी का पेपर करा दिया कंप्लीट, साथ ही सभी विषय के पेपर हमने अपने चैनल पर डाल दिए, तो आप जाकर देख सकते हैं, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।